नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और देखिए हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत की एक इबारत अगर किसी ने लिखी है तो वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी जिनका नाम शायद अब पार्टी की पहचान बन चुका है, वो नरेंद्र मोदी जिस राज्य में भी प्रचार करते हैं वहां जीत की गारंटी बन जाते हैं। विपक्ष के हथकंडे धरे के धरे रह जाते हैं और पीएम मोदी जीत के झंडे गाड़ करके सियासी इतिहास की नई पटकथा लिख देते हैं। हिंदी हार्टलैंड में चल गया मोदी मैजिक। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। राजस्थान में जादूगर हुआ छू मंतर। छत्तीसगढ़ का किला नहीं बचा सकी कांग्रेस। तेईस में जीत का ट्रेलर, 24 के चुनाव की पिक्चर हुई क्लियर। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने जता दिया है कि उत्तर भारत बेल्ट में उसके मुकाबले में कोई नहीं है। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी जी प्रधानमंत्री जी को मैंडेट है। तमाम तरह के एग्जिट पोल और सियासी पंडितों की भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई और बीजेपी ने तीन राज्यों में बाजी मार दी। पहली बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई सीएम फेस नहीं था, था तो बस एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी। मोदी 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 आ गई भाजपा, छा गई भाजपा। तीन राज्यों में हुई प्रचंड जीत और जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। सब अपने चहेते नेता और देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बीजेपी मुख्यालय में जमा हुए। मोदी जी की गारंटी है। मंच पर जैसे ही पीएम मोदी आए, कार्यकर्ताओं ने न केवल अपने पसंदीदा नेता का स्वागत किया बल्कि लगे हाथ 24 के लोकसभा चुनावों में अजय जीत का आशीर्वाद भी दे दिया। मौका भी था, दस्तूर भी। पीएम मोदी ने एक के बाद एक विपक्ष पर तीखा हमला बोला और भविष्य में सुधर जाने की नसीहत भी दे डाली। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडीय गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव को जाति में बांटने की कोशिश हुई लेकिन मेरे लिए सिर्फ चार बड़ी जातियां हैं। जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा जरूरी है। मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। इस चुनाव परिणाम की गूंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज
दूर तक जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। जब तक सत्ता में रहेंगे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के बहाने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया और ये भी जता दिया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी के अभेद किले को भेदने के लिए विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम विधानसभा के परिणामों जैसा होगा। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बहुत सी बातें कही हैं। बीजेपी के सत्ता वापसी में आने को लेकर रमन सिंह का दावा है कि उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से जनता ने हटा दिया। तीन बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, और जब चुनाव नजदीक आया तो एक बार फिर रमन सिंह सक्रिय हुए और सक्रिय ऐसे हुए कि सुनामी की तरह नतीजे आ गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। जिस तरह से चुनाव बीजेपी ने लड़ा, क्या वजह देखते हैं आपकी 13-14 सीट की पार्टी 50 पार कर गई, ये आधी ही है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसके पीछे छत्तीसगढ़ में सरकार 5 साल भूपेश सरकार ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मजाक किया, जिस प्रकार भ्रष्टाचार और लूट छत्तीसगढ़ में चला, जिस प्रकार के करप्शन हुए, जनता इसको बदलने के लिए पहले से मन बनाई थी और मुझे लगता है कि भूपेश के चेहरे को बदलना चाहती थी। बस्तर से सरगुजा तक विकास पूरे अवरुद्ध थे और भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ था कि जनता ने परिवर्तन का निर्णय लिया था। डॉक्टर साहब, मोदी की गारंटी का नारा आप लोगों ने दिया था कि मोदी की गारंटी काम करेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना और फिर लगातार इस तरह से भाषण देना, साहू समाज को संबोधित करना, और कौन सी वजह है और मोदी की गारंटी इसमें कितना बड़ा फैक्टर है इस जीत के पीछे? भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र और घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, ये दो बड़े मुद्दे थे जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जिसका भरोसा किया और ये बड़ा परिवर्तन आया। तो निश्चित रूप से एक तो पाँच साल में जन घोषणा पत्र के वादे पूरे ना करना, महिलाओं के साथ छल करना, और जिस प्रकार जन घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ यूके के साथ छल किया गया, वो सब आक्रोशित थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र आया और उस घोषणा पत्र का जबरदस्त असर इस चुनाव में देखने को मिला। अंतिम सवाल, आपको जाना है, आपने कहा पार्टी दफ्तर जाना है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारा एक शो भी चलता है और तीन बार आप मुख्यमंत्री रहे, कोंटा से लेके भरतपुर तक चाउर वाले बाबा के नाम से फेमस रहे। मुख्यमंत्री बनने की चाहत अभी भी है या फिर आपको लगता है कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, डॉक्टर रमन सिंह को ही अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं प्रदेश में? मुख्यमंत्री बनने ना बनने का निर्णय पार्टी तय करती है, विधायक दल तय करता है, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और वहाँ एक मिनट में निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के लिए दल का नेता किसको चयन करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, उसको आने वाले समय में हो जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे आ गया है। यही अनुशासन और पार्टी के प्रति यही निष्ठा डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रही और आज भी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी कहेगी वही अंतिम फैसला होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज आज। और देखिए, छत्तीसगढ़ में हुई जबरदस्त जीत को लेकर के छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि उन्हें इस जीत की उम्मीद थी। सुनिए उनसे पूरी बातचीत। आपके निकल मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी। ओम माथुर जी, सबसे पहले तो बधाई कि इतनी बम्पर जीत जो है वो आप बीजेपी को मिली है, उम्मीद की थी? निश्चित रूप से उम्मीद की थी, कार्यकर्ताओं पे भरोसा था, मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा था, इसलिए पूरी उम्मीद की थी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस जीत के मायने जो है वो नहीं निकाल पा रहे थे, उन किसी भी ने भी जो है वो उम्मीद नहीं, उनकी भूल होगी। मैंने तो पहले दिन विश्लेषण किया था कि मैं ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहा हूँ। अच्छा, अब अगला दूसरा पड़ाव सर ये है कि सीएम का चेहरा का इंतजार करिए। ये है छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी, जिनका साफ तौर पर
कहना है कि जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने तैयारी की थी और इसी का जो है वो परिणाम है कि बीजेपी को इतनी भारी बहुमत से जीत मिली है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज रायपुर। तो बीजेपी के लीडर्स उत्साहित हैं इस जीत के बाद, वो आप देख रहे हैं। तीन राज्यों में भारी जीत के बाद कल रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। परिवार के साथ उन्होंने वहां पर दर्शन पूजन किया। इन तीन राज्यों में ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की और हवा बीजेपी के पक्ष में बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कल रात की तस्वीरें कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की। पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूजा अर्चना करते हुए आप उन्हें इन तस्वीरों में देख सकते हैं। स्वाभाविक सी बात से बहुत संतुष्ट यहां पर और प्रसन्नचित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तीन राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत प्राप्त की। जिन पांच राज्यों में चुनाव था उनमें से तीन हिंदी स्पीकिंग राज्य, हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर बीजेपी की जो प्रचंड जीत रही उसने तमाम अनुमानों को भी गलत साबित किया है। और इसके बाद देखिए परिणामों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन के सबसे शीर्ष पर बैठे व्यक्ति हनुमान जी की शरण में। निश्चित रूप से दर्शन पूजन के दौरान उनके मन में अपार संतोष रहा होगा इन परिणामों के बाद। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत, तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत, पहली बार तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी को मिली 163 सीटें, 66 विधानसभा सीटों पर जीती कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी को मिली एक सीट। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीट जीती, कांग्रेस को 69 सीट पर और भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बसपा ने जीती 2 सीटें। छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में से बीजेपी को 54 पर जीत मिली है, कांग्रेस को 35, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट पर जीत। तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस की 64 सीटों पर जीत, बीआरएस को 39 और एआईएमआईएम को 7 सीटें, बीजेपी को 8 सीटों पर मिली जीत, सीपीआईएम का 1 सीट पर कब्जा। बीजेपी ने किसी चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा चुनाव, बीजेपी के सामने अब मुख्यमंत्री चुनाव का सवाल, पार्टी नेताओं ने कहा विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा सीएम। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी का बयान, अगर रेवंत रेड्डी को नहीं बनाया गया तेलंगाना का सीएम तो ये उनके साथ अन्याय होगा, उनकी मेहनत की वजह से सत्ता में आए। पूर्व सांसद और तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव का बयान, रेवंत रेड्डी के साथ न्याय करे आला कमान, रेवंत के नाम पर लड़ा गया चुनाव। पीएम मोदी ने कहा लोगों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सिखाया सबक, मतदाताओं को इन दलों को तौर तरीके बदलने की चेतावनी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि देश में केवल एक गारंटी है, मोदी गारंटी, इंडिया गठबंधन ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत, देर रात दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हनुमान मंदिर में परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एबीपी न्यूज से कहा ये मोदी मैजिक की जीत है, हमने पिछला आंकड़ा बेहतर किया, ये बड़ी चुनौती थी। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा जहां धर्म होता है वहां विजय होती है, 2024 के शुभ संयोग बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बीजेपी राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, पार्टी की प्रक्रिया के तहत फाइनल होगा सीएम का नाम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम हर संकल्प करेंगे पूरा, हर हालात में सभी गारंटियों को करेंगे पूरा। एमपी के 12 मंत्री चुनाव हारे, महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित 12 मंत्रियों की जनता ने नकारा, हारने वालों में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी शामिल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा, लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें, पीएम मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास कोई दूसरा नहीं। एमपी कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान, विरोधी दल की भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, हारे हुए हर उम्मीदवार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विजयी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई, कल मंगलवार को भोपाल में मीटिंग होगी, कांग्रेस 66 प्रत्याशियों ने जीता विधानसभा चुनाव।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा, जनादेश का सम्मान, निभाएंगे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, हार की करेंगे समीक्षा, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने एबीपी न्यूज से कहा कि जीत की उम्मीद थी, सीएम के चेहरे के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगा सीएम, आलाकमान का फैसला होगा मंजूर, मोदी की गारंटी की वजह से जीते चुनाव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, अब यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में चलेगा बुलडोजर, ये मोदी की गारंटी कीजिए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, चौंकाने वाले आए नतीजे, निराश न हो कार्यकर्ता, हार जीत होती रहे। कल राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जयपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम करते हैं जनादेश का सम्मान। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे पहले से ही हार का था अंदेशा, मैंने पहले ही दी थी रिपोर्ट, कहा था हमारे विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, मेरी रिपोर्ट के बावजूद गहलोत ने की हठधर्मिता, चापलूसों से घिरे हुए थे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पीएम मोदी की नीतियों और उनके काम की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। बीआरएस नेता केटी रामा राव ने कहा, बेशक हम निराश हैं लेकिन दुखी नहीं, हमारी पार्टी ने तेलंगाना को बनाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश किया, राज्य की 119 में से कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39 सीट पर जीत। आज तेलंगाना कांग्रेस विधायक दल की हैदराबाद में बैठक, सहयोगी दल भी बैठक में होंगे शामिल, कल ही राज्यपाल के सामने कांग्रेस ने पेश कर दिया था सरकार बनाने का दावा। बीआरएस विधायक टी वेंकट राव ने चुनाव जीतने की कांग्रेस को दिया समर्थन, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संपर्क में बीआरएस के कई विधायक। एआईएमआईएम ने बचाई अपनी 7 सीट, ओवैसी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा केसीआर के शासन में कई तब्दीली हुई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान, बीजेपी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया, पहले हमारी 1 सीट थी लेकिन अब हम 8 पर पहुंचे। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशी केवी राव रेड्डी ने केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी दोनों को हराया, कहा मैं 4 लाख लोगों का विधायक। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि कांग्रेस ने एमपी में नहीं दिया हमें कोई महत्व, कांग्रेस और एसपी के प्रत्याशी कई सीटों पर कर रहे थे लीड। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एसपी का समर्थन किया, कहा अखिलेश यादव को 5-10 सीटें दे देते तो क्या हो जाता, ऐसे भी तो आपने कुछ नहीं जीता। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दी कांग्रेस को आत्मचिंतन की सलाह, कहा एसपी कांग्रेस के टकराव को टाला जा सकता था। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, ये बीजेपी की जीत नहीं कांग्रेस की नाकामी, 3 राज्यों के परिणाम का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा कोई नहीं असर। शरद पवार का बयान, विधानसभा नेताओं का नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, इसके नतीजों का असर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं बनेंगे महाराष्ट्र में ऐसे हालात। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का बयान, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था गठबंधन, धर्मनिरपेक्षता ताकतों के बीच बेहतर समन्वय होता तो अधिक सक्रिय होता प्रचार। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, थोड़ी देर में 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, कड़ी सुरक्षा के बीच 13 केंद्रों पर काउंटिंग। मिजोरम में 7 नवंबर को हुआ था मतदान, 80% से ज्यादा हुआ था मतदान, चुनाव मैदान में 18 महिलाओं सहित कुल 174 उम्मीदवार। विवाद के बाद कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स से हटाया दक्षिण बनाम उत्तर से जुड़ा पोस्ट, बीजेपी नेताओं का आरोप, कांग्रेस दे रही विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा। आरएलडी प्रमुख जयंत सिंह का एक्स पर पोस्ट, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने वाली सरकारी योजनाएं हो गई बंद, ऐसी योजनाएं करप्शन का अड्डा।
आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ से जुड़ी रिपोर्ट भी होगी पेश। टीएमसी ने की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग। संसद में इंडिया गठबंधन के संसदीय नेताओं की बैठक आज सुबह 10 बजे। विपक्ष के नेताओं के चैंबर में मीटिंग। सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा। आज से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कर सकती है युवा निधि शुरू करने की तारीख बताने की मांग। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नौसेना के समारोह में भी होंगे शामिल। मालदीव में भारतीय प्लेटफॉर्म को लेकर दुबई में हुई थी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। दुबई में मालदीव के राष्ट्रपति से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी। आज कानपुर के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। पारिवारिक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव में बिखरे पहाड़ के रंग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा पहाड़ की संस्कृति को संजोए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील, जब तक ऊपरी अदालत में निर्दोष साबित ना हो तब तक सदन में ना हो वापसी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत की अवधि आज हो रही है खत्म। खराब स्वास्थ्य के चलते मिली थी बेल, आगे बढ़ाने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म। राव जेमिनी कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने दाखिल की 60 पेज की चार्जशीट। मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला। 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सभी याचिकाएं। खालिद अहमद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम की पत्नी जैनब फातिमा के घर कुर्की। दो मंजिला मकान को कुर्क किया गया। जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। दिल्ली पुलिस ने कहा एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी को बंधक बनाकर मांगी फिरौती। पुलिस वालों पर फिरौती मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद हसनगंज में तैनात पुलिसकर्मियों समेत कई पर एफआईआर। यूपी के संभल में आसमान से गिरी इलेक्ट्रिक डिवाइस। लोगों को जानकारी देने पर पुलिस के कब्जे में ली गई ये डिवाइस। डिवाइस के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवात मिचौंग। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट। राहत बचाव के लिए 21 टीमें तैनात। अलर्ट मोड पर 8 और टीमें। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा मिचौंग। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने समीक्षा की। चक्रवात मिचौंग को लेकर बैठक की। जान माल की सुरक्षा के लिए एहतियातन कदम उठाने के निर्देश। चेन्नई में चक्रवात मिचौंग का असर। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश। मिचौंग की वजह से हुई भारी बारिश। सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी। चेन्नई मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अलर्ट जारी हुआ। चक्रवात मिचौंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बयान। राज्यों के लगातार संपर्क में केंद्र सरकार। राहत बचाव काम में हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज पर भारत का कब्जा। भारत ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। आखिरी मुकाबले में हुई भारत की जीत। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर बनाए थे 160 रन। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई पहली बार टी20 मुकाबला हारा। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का सीरीज में प्रदर्शन शानदार रहा। सीरीज के हर मैच में टीम को दिलाई सफलता। 5 मैचेस में 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम। भारत के लिए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को मिले 2-2 विकेट्स। 4 ओवरों में मैच 14 रन देकर 1 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। आज सुबह 8 बजे से मिजोरम में शुरू होगी मतगणना। 40 सीटों पर MNF मिजोरम पीपल्स फ्रंट के बीच कड़ा मुकाबला। मिजोरम में 7 नवंबर को हुआ था मतदान। 18 महिलाओं सहित कुल 174 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर।
एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत, तेलंगाना में कांग्रेस को पहली बार बहुमत। एमपी की 230 सीटों में 163 पर बीजेपी की जीत, महज 66 सीटों पर सिपटी कांग्रेस। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती, कांग्रेस को 69 सीटों पर कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 54 पर बीजेपी की जीत, 35 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। तेलंगाना की 119 सीटों में 64 पर कांग्रेस का परचम, बीआरएस की 39, बीजेपी को 8 और 7 सीटों पर एआईएमआईएम को मिली जीत। जीत के बाद पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा लोगों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सिखाया सबक। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देर रात दिल्ली के सीपी हनुमान मंदिर में नड्डा ने किया दर्शन पूजा। तेलंगाना में अपनी 7 सीटें बचाने में कामयाब रही एआईएमआईएम, ओवैसी ने जनता को दिया धन्यवाद। एमपी चुनाव में बीजेपी के 12 मंत्रियों की हार, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव हारे। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाने का पेश किया दावा, राज्यपाल से मिले डी शिवकुमार। तेलंगाना में 8 सीट जीतने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी, कहा 1 सीट से 8 तक पहुंचना बड़ी कामयाबी। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशी केवीआर रेड्डी ने केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी दोनों को हराया, कहा मैं 4 लाख लोगों का विधायक।